हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गेट जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ हम जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीजों को लर्न करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसमें पड़ी हुई वीडियोज को देखिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस मॉड्यूल के पहले लेक्चर से। हमारे पहले लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट सेंसिंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिमोट सेंसिंग होती क्या है, इसके फ्यू एग्जांपल्स, इसका एप्लीकेशन और जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में हम लोग रिमोट सेंसिंग का क्या रोल प्ले होता है और हम लोग इससे क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिमोट सेंसिंग सुन के दिमाग में आता है कि व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है। तो देखिए, रिमोट सेंसिंग में दो वर्ड्स है, दैट इज रिमोट और दूसरा वर्ड सेंसिंग। अगर हम इन दोनों के इंडिविजुअल मीनिंग को भी हम लोग समझ लें तो रिमोट सेंसिंग का कंसेप्ट समझ लेंगे। रिमोट का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, या हम लोग कह सकते हैं कि समथिंग और एनीथिंग विच इज नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ अस, मतलब हम लोग किसी विद नॉट इन टच विथ अस, Not in touch with us, not in touch with us, या physical contact नहीं। और sensing का मतलब क्या है? Sensing का मतलब है obtaining information, obtaining information। और गेटिंग इंफॉर्मेशन कुछ भी कह लीजिए, इंफॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, ऑब्जेक्ट, इट कैन बी प्रॉपर्टी, इट कैन बी फेनोमेना, कुछ भी हो सकता है। तो कंबाइंडली जब हम लोग रिमोट और सेंसिंग दोनों जोड़ के वर्ड यूज करते हैं तब ये कंबाइंडली बनता है कि ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, इट कैन बी प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन बी एनी फेनोमेना, विदाउट गेटिंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट। सो हम लोग यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का एक डेफिनेशन बनाते हैं कि रिमोट सेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर सम ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और फेनोमेना विदाउट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इट, फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ इट या कॉन्टैक्ट विथ इट। तो ये मोटी मोटी बात हुई रिमोट सेंसिंग की, रिमोट सेंसिंग होता क्या है। और जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होता है फॉर सेंसिंग द इंफॉर्मेशन, फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, उसे हम बोलते हैं सेंसर, वो कहलाता है सेंसर। अब अगर देखें तो कई तरह के सेंसर हमारे आसपास दिख जाएंगे। हमारी बॉडी इटसेल्फ इज अ कलेक्शन ऑफ फ्यू ऑफ द रिमोट सेंसर, जैसे हमारे आंख, हमारी नाक, हमारे कान, हमारे आईज, ईयर्स और नोज, तीनों एक्ट करते हैं रिमोट सेंसर की तरह। कैसे? वी आर एबल टू वॉच समथिंग विच इज फार फ्रॉम अस, कोई दूर से आ रही ट्रेन को भी हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। क्या हम उससे टच में, फिजिकल टच में? नहीं। तो ये हो गया। वी आर एबल टू स्मेल समथिंग, वी आर एबल टू स्मेल व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, we are able to hear what other people are talking in front of us, क्या हम उस उन people से touch में हैं, क्या उनके कंधों पे हाथ रख के खड़े? नहीं, फिर भी हम सुन सकते हैं उनको। तो ये हमारे bodies के कुछ parts हैं जो remote sensors की तरह काम करते हैं। आगे कुछ examples देखते हैं remote sensors के, जैसे हम लोग ने देख लिया sense of sight, sense of smell, sense of hearing, x-ray devices। एक्सरे डिवाइसेस में आप लोग एक्सरे कराने जाते हो तो क्या मशीन मशीन जो एक्सरे मशीन होती है या एक्सरे जिस एक्सरे कैमरा होता है वो क्या आपसे टच में होता है? नहीं, वो आपके किसी एक ऊपर, आपके बॉडी के पार्ट के किसी एक ऊपर हाइट पे होता है और आप यहाँ पे आपकी बॉडी होती है, तो वो यहाँ से एक फोटो क्लिक करता है, वो फोटो कुछ इस प्रकार आती है तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि हड्डी टूटी है, क्या है, ये सब आगे की चीजें। तो ये भी आपके टच में नहीं है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है।
एरियल सर्वे, एरियल सर्वे में हम लोग एरोप्लेन ऊपर उड़ती जाती है और नीचे की फोटोज ग्राउंड की क्लिक करती जाती है, इट इज अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग। सैटेलाइट इमेज भी एक तरह का रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट ऊपर रहता है और ग्राउंड की इमेज को क्लिक करता है। तो ये दीज ऑल आर टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग, टाइप ऑफ के लीजिए एग्जाम्पल के लीजिए, रिमोट सेंसिंग के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे बात उठती है, ठीक है रिमोट सेंसिंग मीन्स नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ इट। रिमोट सेंसिंग में जो रिमोट से डिस्टेंस हम लोग को समझ में आ रहा था, डिस्टेंस जो समझ में आ रहा था, वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए प्रोसेस को रिमोट बोलने के लिए, रिमोट सेंसिंग बोलने के लिए? क्या वो डिस्टेंस 1 मीटर होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, या 1000 मीटर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो हम आपको कुछ दो प्रोसेस बताते हैं। पहला प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर का इमेज निकालना। ये पॉलन ग्रेन के माइक्रोस्कोपिक इमेज है, पॉलन ग्रेन्स के। अब इसमें बताइए हमारी आंख और पॉलन ग्रेन्स के बीच में कितना दूरी होती होगी। मान लीजिए यहाँ टेबल पे हमारी पॉलन ग्रेन का सैंपल होता होगा, या यहाँ कहीं अंदर पॉलन ग्रेन का सैंपल होता होगा, और हम लोग यहां से देखते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं, तो कितना डिस्टेंस होता होगा? चलिए हम मैक्स टू मैक्स मानते हैं 20 सेंटीमीटर, फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 20 सेंटीमीटर। मीन्स वी आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ इट, 20 सेंटीमीटर दूरी है यहां पे, हाँ इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में डिस्टेंस कम ज्यादा मैटर नहीं करती, बट मैटर करता यह है कि जिस चीज की इंफॉर्मेशन हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं वो आपके सेंसर से फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं होना चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एक सेटेलाइट सिस्टम है, इट मे बी अ जियोस्टेशनरी सेटेलाइट या लो ऑर्बिट सेटेलाइट, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी होती है? अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो कम से कम इसकी 35,000 किलोमीटर होगी, 35,000 किलोमीटर होगी। मींस 35,000 किलोमीटर इज वेरी फार। तो ये भी हमारा रिमोट सेंसिंग है, यहां पे भी वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। ओवरऑल कहने की बात ये है कि रिमोट सेंसिंग में डिस्टेंस का मतलब है कि बस फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, आपका प्रोसेस रिमोट सेंसिंग कहलाएगा। अब बात आती है कि एक डेडिकेटेड डेफिनेशन हमको बताइए जो हम कॉपी पे नोट कर सकें या बता सकें। तो नासा ने एक रिमोट सेंसिंग प्रोसेस का डेफिनेशन दिया है, वो मैं बता दे रहा हूं। इट इज सेम लाइक व्हाट वी हैव रिटन बिफोर, वी हैव सीन इन प्रीवियस स्लाइड। अब वो पढ़ते हैं, द एक्विजन एंड मेजरमेंट ऑफ डेटल इंफॉर्मेशन, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, बाद में बताता हूं, डेटल इंफॉर्मेशन ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ फेनोमेना ऑब्जेक्ट मटेरियल बाय अ रिकॉर्डिंग डिवाइस नॉट इन फिजिकल इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द फीचर अंडर सर्विलेंस। पहले इतना बात कर लेते हैं, नासा ने भी यही बोला कि मेजर करना या एक्वायर करना डेटल इंफॉर्मेशन ऑन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फेनोमेना ऑब्जेक्ट मटेरियल, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेना या मेजर करना किसी डिवाइस की हेल्प से जो कि फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है, जिसका ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसके फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है, इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग। तो ये सेम डेफिनेशन है, कोई इसमें अलग से बताने वाली चीज नहीं है। फिर आगे क्या इन्होंने लिखा, टेक्निक इन्वॉल्व अमेजिंग नॉलेज पर्टिनेंट टू एनवायरमेंट्स बाय मेजरिंग फोर्स फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक्विजिशन ऑफ एनर्जी एम्प्लॉइंग कैमरास रेडियोमीटर एटसेट्रा। मतलब ये सब मीडियम्स है विद हेल्प ऑफ दो हम लोग रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं, एक तरह से आप कह लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेंसर्स आर डिजाइन्स। ठीक है, तो हो गई बात रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन की, कि हम लोग इसमें क्या काम कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं डेटा, इंटरप्रेट कर रहे हैं डेटा को, और एक इंफॉर्मेशन
क्रिएट कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि रिमोट सेंसिंग की मदद से हम लोग जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में। तो जो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग होती है ये वो फील्ड है जिसका काम है अर्थ की ऑब्जर्वेशन करना कि अर्थ का लैंड सरफेस कैसा है, अर्थ में लैंड कवर क्या है, अर्थ में टेम्परेचर वेरिएशन कैसा है अलग अलग जगह का, अर्थ में सॉयल मॉइस्चर कैसा है अलग अलग जगह का। कई तरह की ऑब्जर्वेशन होती हैं जो जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के अंडर में आती हैं। तो आप ही बताओ क्या एक आदमी के लिए ये पॉसिबल है कि वो अपने लाइफ स्पैन में हर जगह दौड़ दौड़ के जाए, सॉयल मॉइस्चर या कुछ भी एक प्रॉपर्टी ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए, वो मेजर करे और आके उसका एक मैप बनाए या डेटा बनाए, कुछ भी बनाए वो करे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तब यहां पे रोल आता है रिमोट सेंसिंग का। यहां पे वो रिमोट सेंसिंग की मदद से अपने घर बैठेगा, अपने चेयर पे बैठेगा, अपने कंप्यूटर की मदद से, अपने लैपटॉप की मदद से या कोई भी डिवाइस की मदद से वो पूरे होल वर्ल्ड की सेंसिंग करके एक कोई भी प्रॉपर्टी का, कोई भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी चीज का डिटेल पा सकेगा। हम लोग इसको एक तरह से डेली लाइफ में देखते भी हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग अपने घर पे बैठे बैठे दूसरे सिटी का टेम्परेचर चेक करते हैं, वेदर कंडीशन चेक करते हैं। तो क्या आप उस सिटी में जा रहे हो? नहीं जा रहे हो, बट स्टिल यू आर एबल टू गेट द वेदर कंडीशन ऑफ दैट सिटी। सो इट इज अ काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग। ऐसे यहाँ पे जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में रिमोट सेंसिंग यूज होता है। तो यही लिखा है, रिमोट सेंसिंग इज यूज फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए रिमोट सेंसिंग होता है एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड देन टू क्रिएट अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैप्स। एंड जब हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं तब हम लोग एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप्स। वो मैप कुछ भी हो सकता है, आप लोग मैप वाले मॉड्यूल में देखेंगे कि किस तरह के मैप्स होते हैं, वो कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, एक थीमेटिक मैप होता है जिसमें आपकी वेरिएशन होती है कोई हर एक प्रॉपर्टी की। उसमें बता देगा कि जो नीले कलर वाला एरिया है इट इज डेंस वेजिटेशन वाला है, जो लाल वाला है वो अर्बन सेटलमेंट है, ऐसे करके उनकी मैप की होती है। तो वो अनदर चीज है, वो आप देख लेंगे। तो मतलब रिमोट सेंसिंग प्रोसेस में आगे मैप क्रिएशन भी है कि आप लोग सेंसिंग करने के बाद उसका एक प्लॉटेशन कह लीजिए या प्रेजेंटेशन कर लीजिए, वो करते हैं फॉर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। अब आगे बात करते हैं फ्यू ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है। हम लोगों ने देख लिया थीमेटिक्स मैप बनाना, फॉरेस्ट फायर एस्टिमेट करना। अब जाहिर सी बात है फॉरेस्ट फायर होगी तो आप उसमें कूदोगे तो नहीं कि फॉरेस्ट फायर क्या है, कितनी हो रही है, कितना फैला है, दूर से ही देखोगे। फॉरेस्ट फायर एस्टिमेशन करना, चेंज डिटेक्शन एनालिसिस करना, 2000 में कितना वेजिटेशन था, अब 2020 में कितना वेजिटेशन है, क्या आप हर साल जाके सैंपल लेके तो कर नहीं सकते। तो यहाँ चेंज डिटेक्शन इज ऑल्सो टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग, मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप, सॉइल मॉइस्चर डिटरमिनेशन, लैंड यूज, लैंड कवर मैपिंग और वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स हैं, क्लाइमेट स्टडीज, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स हैं जो रिमोट सेंसिंग में आते हैं। अब हो गई एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग की बात, हम लोगों ने पढ़ लिया रिमोट सेंसिंग होता क्या है, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग में उसका यूज क्या है। अब मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट में एक क्वेश्चन के साथ छोड़ना चाहता हूं और वो क्वेश्चन ये है कि आप ही बताओ कि रिमोट सेंसिंग जो हमने देखा जिसमें इंटरप्रिटेशन हम लोग करते हैं, मैप मेकिंग करते हैं, वो क्या है? इज अ साइंस इज अ आर्ट
या इज अ टेक्नोलॉजी। अब मैं इस क्वेश्चन के साथ आप लोग को छोड़ना चाह रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के रखो या डी ऑप्शन एक और ले लो, ऑल द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर आप रखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक दो दिन में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम में जाकर देख लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओवरऑल हम लोग ने सीखा कि रिमोट सेंसिंग में हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालते हैं विद हेल्प ऑफ रिमोट सेंसर्स, और फिर एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल वे में उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैप्स, ग्राफ्स एटसेट्रा। तो अब इन सब नॉलेज के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन है, ये बताइएगा। टिल देन अगली वीडियो तक बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट में इसके बारे में बताइएगा, और जो भी सजेशन हो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।